हिमाचल पर इस वक्त करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश में आय के संसाधन बहुत कम है। दोनों ही प्रमुख दलों की सरकारें कई बार सत्ता में आई, लेकिन आय के संसाधन ढूंढने में नाकामयाब रही। एकमात्र आय का संसाधन पर्यटन है। ऐसे में अगर हम पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं या उनको सहूलियतें नहीं देंगे तो पर्यटक हिमाचल आना ज़रूरी नहीं समझेंगे। कायदे से होना तो ये चाहिए कि पर्यटकों को हम अच्छी सुविधाएं दें ताकि वो बार बार हिमाचल आए। लेकिन जो खबर हम आपको बताएंगे उससे तो लगता है कि हम पर्यटकों के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। दरअसल पहाड़ों की रानी शिमला घूमने आ रहे सैलानियों से पार्किंग शुल्क के नाम पर लूट हो रही है। नगर निगम की नाक तले पार्किंग संचालक सैलानियों और स्थानीय लोगों से मनमाना पैसा वसूल रहा है। नगर निगम की अपनी पार्किंग में सैलानियों से 2 घंटे पार्किंग के 200 रुपये वसूले जा रहे हैं, लेकिन मंगलवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों से वसूली करते ये लोग नजर आ रहे थे। शिमला के वरुण सूद ने सर्कुलर रोड पर मेट्रोपोल के पास नगर निगम की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की तो कर्मी ने 8 घंटे के लिए 400 रुपये मांगे, जिस पर वरुण ने ज़्यादा पैसे लेने की बात कही तो कर्मी उनसे लड़ने लगे। गाड़ी बाहर ले जाने को कहा, जिसके बाद साथ में ही दूसरी पार्किंग में पार्क की, वहां 8 घंटे के 90 रुपये लिए गए। एमसी की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो पार्किंग है, जो जहाँ पे पीएनबी वगैरह का ऑफिस भी है, पीके कंस्ट्रक्शन पीके पार्किंग के बिल्कुल साथ वाली पार्किंग में, वहाँ सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर जाता हूँ और जैसे मैं पार्किंग के अंदर जाता हूँ तो वो मेरे को पार्किंग वाला जो लड़का है वो मेरे को पूछता है कि हाँ जी कितनी देर के लिए लगानी है। मैंने बोला शाम को निकालूंगा, 8 घंटे के लिए लगानी है। तो कहता 400 रुपये चार्ज होंगे उसके। मतलब 400 रुपये किस चीज़ के चार्ज होंगे, 400 रुपये तो रेट ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है। फिर उस मुझे लगा उसने मेरी शायद गाड़ी का नंबर डीएल मेरा दिल्ली नंबर गाड़ी का नंबर है, मुझे लगा उसने देखा मेरा शायद बाहर का टूरिस्ट देखा है, तो कह रहा है मैंने उसको इतना भी बोला मैं लोकल हूँ, आप ये रेट्स ही नहीं है। तो उसने बोला चल बाहर अपनी गाड़ी बाहर निकाल। मैंने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और साथ वाली पार्किंग में जो पीके वालों की पार्किंग है मैंने वहाँ पर लगा दी और उसकी मुझे बकायदा पर्ची भी दी उन्होंने, 94 रुपये लगे मेरे उसके, ठीक है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ कि शिमला शहरी का सिटीज़न होने के, शिमला शहर के सिटीज़न होने के नाते अगर हम लोगों के साथ इतना मिसबिहेव हो रहा है और इतना ज़्यादा ओवरचार्ज कर रहे हैं हम लोगों को, तो एक जो आम टूरिस्ट जो आता है उसके साथ क्या होता होगा। मेरे सामने उसके बाद मैंने इसकी कंप्लेंट मेयर मैम को करी, सत्या मैम को, उनको कॉल करके बताया मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आप कमिश्नर साहब को उसकी कंप्लेंट कीजिए, और मैंने कमिश्नर साहब को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पर उनका नंबर नहीं लग पा रहा था। बाय चांस की बात है वहाँ पर कुछ टूरिस्ट लोग आए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, क्या बात होगी। तो मैंने बोला ये ओवर चार्ज कर रहे हैं, मुझसे 400 रुपये मांग रहे थे 8 घंटे के। कहते भैया हमसे भी 200 रुपये इन्होंने लिए हैं 2 घंटे लगाने के। उसकी मैंने पर्ची की स्लिप ले ली है जो मैं आप लोगों को मीडिया को दे दूंगा। पर्ची उस 200 रुपये उन्होंने लिए है, उस लड़के ने अपना नंबर भी दिया है कि अगर मेरे को अगर कोई चाहता है, क्योंकि लोग सबको लूट रहे हैं, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। वो चंडीगढ़ का है, रंजीत उनका नाम है शायद उनका, बाकी मैं आपको उनका नंबर और गाड़ी का नंबर शेयर कर दूंगा उनके साथ। उसके बाद मैंने जो मिस्टर अजीत हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर है, क्योंकि कमिश्नर साहब मुझे मिल नहीं पा रहे थे, तो मैंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब का नंबर गूगल से निकाला, उनसे वो मैंने कॉल करके पूरी बात बताई और उन्होंने मुझे बोला पर्ची की फ़ोटो शेयर कीजिए मेरे साथ व्हाट्सएप पे, उसके बाद मुझे फॉर्मल कंप्लेंट दीजिए। मैंने फॉर्मल कंप्लेंट दी है, रिटर्न में कंप्लेंट दी है उनके अगेंस्ट। ऐसे लोगों के साथ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए।